डबवाली का एकमात्र लेटेस्ट वैरायटी का ऑल फैमिली शोरूम। हमारे यहाँ बच्चों व लेडीज के स्पेशल हर तरह की फैंसी व लेटेस्ट वैरायटी उपलब्ध है। याद रखें, बेदी फैशन, कॉलोनी रोड, मंडी, डबवाली। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नो। डबवाली में निकाय चुनावों का महासंग्राम जारी है। हर पार्टी एक से एक बढ़कर अपने दावे कर रही है और दल बदल की राजनीति भी अब जोरों पर है। सबसे ताजा अपडेट यह है कि INLD की तरफ से अब कांग्रेस के वोट बैंक पर सेंध लगाने की जो शुरुआत की गई है, जिसमें कांग्रेस के दिग्गज नेता डॉक्टर केवी सिंह के भतीजे संदीप चौधरी ने कांग्रेस को अलविदा कहकर उन्होंने INLD का दामन थाम लिया है। सबसे शहर में चर्चा का विषय है उस फोटो जो कि INLD की तरफ से रिलीज की गई प्रेस के माध्यम से। उसमें कुछ शहर के डॉक्टर्स और समाज सेवी भी उस फोटो के अंदर नजर आ रहे हैं। सबकी टकटकी इस बात पर लगी है, क्या फोटो के अंदर दिखाई दे रहे वो डॉक्टर्स और समाज सेवी भी अब इनेलो के खाते में जाने की तैयारी में है। खैर, ये अटकलों का बाजार जो बेहद गर्म है, इस बात की पुष्टि नहीं है कि क्या वो लोग सिर्फ अपना दायित्व निभा रहे थे या फिर वो अपना धर्म निभा रहे थे। मजे की बात यह है कि INLD की कमान पर अब कांग्रेस आ गई है। निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि कांग्रेस नेता डॉक्टर केवी सिंह पर सीधे तौर पर इसका असर पड़ेगा। पहले से ही ये कयास मीडिया के माध्यम से लगाए जा रहे थे कि संदीप चौधरी के मतभेद जाहिर हो रहे हैं। हालांकि इस बात की पुष्टि कहीं भी नहीं की गई, लेकिन कयास जरूर थे। उन्होंने इसको छोड़ने के बाद मीडिया में दिए गए बयान में यह माना है कि वो न्यू जनरेशन से उनका जो अटैच नहीं हो पाया और वो वैचारिक रूप से INLD के साथ जुड़ गए। हालांकि उन्होंने डॉक्टर केवी सिंह पर कुछ भी बोलने से मना किया। उन्होंने कहा कि वो मेरे चाचा हैं, मैं उनकी कदर करता हूं, लेकिन INLD ने ये एक बड़ा झटका देते हुए कहीं ना कहीं निगाहें अब कांग्रेस के वोट बैंक पर जमानी शुरू की है। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, इस तस्वीर को आप ध्यान से देखिए। कहीं ना कहीं शहर में चर्चा और अटकलें इस बात पर है कि जो लोग साथ में शामिल हैं, क्या वो भी INLD की तरफ मूव करेंगे। चुनाव बेहद रोचक मोड में तब्दील हो रहा है। इस छोटी सरकार के सत्ता के महासंग्राम में लगातार रोजाना अपडेट्स हैं, उतार चढ़ाव राजनीति के देखने को मिल रहे हैं। इस तस्वीर को आप गौर से देखिए, क्योंकि पहले से ही चर्चा शुरू हो गई थी कि कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। लेकिन क्या इस चुनाव में मुद्दों पर बात होगी या फिर जो चेयरमैन का डायरेक्ट चुनाव होने से राजनीति हावी हो जाएगी, जनता के क्या मुद्दे इन नेताओं की तस्वीर में गौण हो जाएंगे, या फिर ये चुनाव सिर्फ मुद्दों पर लड़ा जाएगा, क्या शहर की डेवलपमेंट में इस बार डायरेक्ट चुनाव मददगार साबित होगा या फिर राजनीति की बलि चढ़ जाएगा, क्योंकि सत्तारूढ़ पार्टी और विपक्ष का निशाना कांग्रेस पर है कि कांग्रेस की दो बार काबिज सरकार गिरने के बाद शहर के विकास कार्य रुक गए। इसके ऊपर BJP भी चुटकी ले रही है, JJP भी चुटकी ले रही है। वहीं हम बात करते हैं INLD के बूढ़े शेर टेकचंद छाबड़ा की दहाड़ पंजे पर इस मार के बाद JJP और BJP की। BJP भी अब दिल जान के साथ इस डबल इंजन की सरकार में यहां से ट्रिपल करने की तैयारी में जुट गई है, क्योंकि जिस तरीके से प्रवीण सोनी का नाम आने के बाद जो JJP की सीट सीधे तौर पर डबवाली के हिस्से में JJP को दे दी गई और BJP गठबंधन अपना धर्म अब JJP के साथ निभाएगी, ऐसे में अब BJP की एकजुटता, तमाम नेताओं का एक मंच पर आना कहीं ना कहीं JJP को अब मजबूत कर रहा है। ऐसे में BJP और JJP की जो चाल है वो निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए मुश्किलें पैदा कर रही है। और ऐसे में आपकी राय इस मुद्दे पर क्या है, कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर रखिएगा। हर अपडेट के लिए डबवाली के निकाय चुनावों की छोटी से छोटी अपडेट के लिए आप बने रहिए तेज हरियाणा के साथ। शुक्रिया।